एक बड़ी खबर भागलपुर से सामने आ रही है, जहां सुल्तानगंज गंगा घाट पर 9 लोग गंगा में डूब गए। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से सामने आ रही है, सुल्तानगंज गंगा घाट पर 9 लोग गंगा में डूब गए। 7 लोगों को स्थानीय लोगों ने हालांकि बचा लिया है, 2 फिलहाल अभी भी लापता है। डूबने वाले में सभी एक ही परिवार के थे। और एक और बड़ी खबर है, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि की बेटी भी इसमें डूब गई है। गिरिडीह से पूरा परिवार गंगा स्नान करने आया था। एसडीआरएफ की टीम फिलहाल खोजबीन में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट पर 9 लोग डूबे हैं, 7 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया है, 2 लापता हैं। डूबने वाले सभी एक ही परिवार के थे। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि की बेटी भी इस दुर्घटना में डूब गई है। गिरिडीह से पूरा परिवार गंगा स्नान करने आया था। एसडीआरएफ टीम फिलहाल खोजबीन में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट पर 9 लोग गंगा में डूब गए, 7 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया, 2 अभी भी लापता है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी डब्लू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डब्लू, इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, सुल्तानगंज गंगा घाट पर 9 लोग डूब गए हैं, हालांकि 7 को बचा लिया गया है, 2 अभी भी लापता है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, सुल्तानगंज गंगा घाट पे जिस तरह से ये घटना हुई है, पूरा परिवार एक साथ डूब रहे थे और ये लोग परिवार झारखंड के गिरिडीह से पहुंचे थे गंगा स्नान करने के लिए। इसी दौरान एक के बाद एक लोग डूबने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल जो है 7 लोगों को किसी तरह से बचा लिया गया, जबकि 2 गंगा में लापता हो गया और उसकी खोजबीन की जा रही है। हालांकि अभी जो अपडेट सामने आया है कि एक शव को जो बरामद कर लिया गया है एसडीआरएफ की टीम के द्वारा, स्थानीय घाट पर जिला प्रशासन की टीम और स्थानीय विधायक सहित कई पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। जैसे ही शव मिला, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी परिवार वालों ने अन्नपूर्णा गिरिडीह के जो सांसद है अन्नपूर्णा देवी, उनको भी दी गई है। उन्होंने घाट पर की गई व्यवस्था के बारे में सवाल उठाया कि घाट पर प्रशासनिक तौर पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है, बैरिकेटिंग की कोई इंतजाम नहीं होने के कारण ऐसी घटना घटी है। इसको लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं यह प्रशासनिक विफलता है जिसके कारण इतनी बड़ी घटना से लोगों को रूबरू होना पड़ा। आए दिन इस तरह की घटना लगातार होती रहती है। इसको लेकर के कई बार कदम उठाया गया कि अस्थायी बैरिकेटिंग हो, पुलिस की व्यवस्था हो, एसडीआरएफ की टीम की तैनाती 24 घंटा घाट पे हो, लेकिन इन तमाम चीजों को नजरअंदाज किया गया है जिसके कारण लगातार श्रद्धालु डूबने का शिकार हो रहे हैं। और यह गंगा घाट पर बिहार झारखंड सहित कई राज्यों के लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। इस तरह की व्यवस्था के बीच लोगों को गंगा स्नान करना पड़ता है और जान जोखिम में डाल करके गंगा स्नान करना पड़ता है। साथ ही गंगा घाट की जो स्थिति है वह काफी खतरनाक है। हम बता दें कि अब 15 दिन बाद 20-25 आदमी मेला शुरू होगा, उनमें जो लाखों कमरिया इसी गंगा घाट पर स्नान करेंगे। अब उन लाखों कमरिया की सुरक्षित स्नान कराने की प्रशासनिक तौर पर क्या व्यवस्था की गई है यह देखने की बात होगी और यह समय आने पर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जी डब्लू, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर से जुड़ी हर पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बता दें अपने दर्शकों को, भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट पर 9 लोग गंगा में समा गए हैं। फिलहाल 7 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है, 2 लापता थे लेकिन एक शव को एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया, एक अभी भी लापता है।